तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की रायपुर से। सीएम फेस पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णु देव साय, इनका नाम भी लगातार आगे आ रहा था। अब देखिए विष्णु देव साय अब छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो चुका है तो सीएम अब विष्णु देव साय बनेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णु देव साय। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तो पहुंचा रहे। बता दें कि आज पर्यवेक्षक पहुंचे थे और उसके बाद मंथन हुआ था, लगातार बैठकें हुई थी और कहा यह जाता है आज शाम तक ये सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और आखिर हुआ वैसा ही, सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनेंगे विष्णु देव साय। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी जाएगी। बैठक हुई थी, बैठक में अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे वो भी पहुंचे थे। विधायक दल की बैठक हुई थी। अब ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सीएम फेस का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपने नए सीएम छत्तीसगढ़ में घोषित कर दिए हैं। विष्णुदेव साय को सीएम की कुर्सी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को मिलने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होने वाले हैं। बीजेपी ने इसमें तकरीबन 5 से 6 दिनों का वक्त लिया रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद विष्णुदेव साय जो है वो नए सीएम बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय को कमान जो है छत्तीसगढ़ की अब सौंपी जानी है। बैठक लगातार हुआ था, आलाकमान के साथ भी कई मीटिंग हुई थी। विधायक दल की मीटिंग आज हुई है, लगातार एक के बाद एक कई देर तक ये मीटिंग चली थी। और अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि विष्णुदेव साय अब नए सीएम बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐलान हो चुका है, विष्णुदेव साय का नाम निकल के सामने आया है जो कि नए सीएम बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय को कमान दे दी गई है सीएम, अब विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ में। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम फेस का ऐलान हो चुका है। विष्णुदेव साय अब सीएम बनने जा रही हैं। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। विष्णुदेव साय को कमान मिल चुकी है छत्तीसगढ़ की। विष्णुदेव साय इस रेस में आगे चल रहे थे और आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने जा रहे हैं। कई नाम थे जो कि इस रेस में थे। रेणुका का भी नाम था और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी महिला पे दाव खेल सकती है, लेकिन देखिए विष्णुदेव साय का नाम निकल के सामने आया। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। विष्णुदेव साय को अब छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया जाना है। शपथ ग्रहण समारोह होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर अब जाना जाएगा। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सस्पेंस कहा जा रहा था कि आज शाम तक खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए शाम ढलने से पहले ये जानकारी निकल के सामने आ गई है। विकास दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे विकास को। तो विष्णुदेव साय को कमान मिल चुकी है छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के सीएम बनने जा रहे हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और विष्णुदेव साय इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि वो 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ऐसे में हो सकता है बीजेपी ने इसलिए इनका नाम तय किया हो। इसके साथ ही सारे संगठन में भी काम का इनके पास लंबा अनुभव है। तो आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय और कहा यह जा रहा है कि विष्णुदेव साय का नाम इसलिए है क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2-2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं विष्णुदेव साय। साथ ही सारे संगठन में लंबा काम का अनुभव उनके पास है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आदिवासी समाज के बड़े चेहरे हैं विष्णुदेव साय और ऐसे में आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। विष्णुदेव
साय अब नए सीएम छत्तीसगढ़ के बनने जा रहे हैं। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। कुनकुरी विधानसभा सीट से ये विधायक है, इन्होंने भी जीत हासिल की है और सांसद भी रह चुके हैं दो बार। बता दें कि इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में नया पैंतरा अपनाया था और इस पैंतरे के तहत तमाम सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया था। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। विकास, नाम का ऐलान हो चुका है, विष्णुदेव साय अब सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि मैं चौंकाने वाला नाम सामने आने वाला था और चौंकाने वाला नाम बताया गया था, जिसके बाद जो है आरएसएस संघ के पहले संघ के एकदम नज़दीक रहे विष्णुदेव साय को जो है यहाँ पे सीएम पद का पद की घोषणा की गई है कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री रहेंगे। बता देना चाहूँगी, एक ओम माथुर ने पहले ही कहा था कि चौंकाने वाला नाम सामने लाएंगे हम और जो ओबीसी या आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर जो है लंबे समय से कयास चल रहा था, जिसके बाद जो है आज जो है विधायक दल की बैठक में जो है मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव साय का नाम आगे किया गया और अब जो है छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय ही होंगे। जी, कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है विकास? जी, भारतीय जनता पार्टी ने 13 तारीख के लिए तैयारी की है कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया जाना है, इसको लेकर तैयारी कर दी। शासन प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तैयारी करी। आज जो नाम की घोषणा हुई, जिसके अनुसार जो है अब जो है 2 से 3 दिन में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लीजिएगी, साथ ही जो है अन्य मंत्रिमंडल के नेताओं का भी जल्द ही चयन हो जाएगा। जी, विधायक दल में फैसला लिया गया है, विष्णुदेव साय का जो नाम निकल के सामने आया है वो भी मुख्यमंत्री के हालांकि रेस में थे, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था किसी महिला पे दाव खेल सकती है बीजेपी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ विकास। जी, लंबे समय से कयास यहाँ चल रहा था कि आरक्षण नीति के बाद जो है महिलाओं को देश में जिस प्रकार से आरक्षण मिला है उसको लेकर जो कयास चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो है महिला किसी महिला विधायक को जो है मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, लेकिन जो है यह सारे कयासों को दूर करते हुए आज जो है आदिवासी समाज से जो विधायक अभी वर्तमान में विधायक है और पूरा केंद्रीय मंत्री रहे, साथ ही दो बार के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे विष्णुदेव साय, इस विष्णुदेव साय को जो है आज मुख्यमंत्री की घोषणा की गई कि विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, बता दें कि विष्णुदेव साय जो है वो बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे भी विष्णुदेव साय इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि वो 4 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायकी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, जीत भी हासिल की, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो सारे संगठन में अच्छा खासा काम उन्होंने किया है, लंबा उनके पास अनुभव है और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इनके नाम पर मुहर लगाई है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए लंबा अनुभव है और खासकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, इसलिए इनका नाम जो है वो सीएम के फेस के लिए चुना गया है। देखिए, विष्णुदेव साय की जो छवि है वह काफ़ी सहज और सरल छवि है। आज तक विष्णुदेव साय के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं, साथ ही उन्हें जो है पार्टी में लंबा अनुभव है, वे 4 बार के सांसद रहने के साथ में जो है 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, साथ ही जो है उन्हें पार्टी ने जो है 2 बार जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है, इसको लेकर जो है लगातार कयास चल रहे थे कि विष्णुदेव साय जो है एक उपयुक्त चेहरा माने जा सकते हैं मुख्यमंत्री के लेकर। आज इसी चीज़ में जो है हरी झंडी दिखा दी गई कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। बता देना चाहूँगा कि विष्णुदेव साय को भी प्रशासनिक और राजनीतिक लहजे से काफ़ी अच्छा अनुभव है छत्तीसगढ़ की राजनीति का और वे आदिवासी नेता भी है, तो इसको लेकर जो है अब छत्तीसगढ़ में कयास का दौर खत्म हो गया है और विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, जैसी ये जानकारी मिली क्या इसके बाद से विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है विकास? जी, बता देना चाहूँगा कि 3 चरणों में यहाँ बैठक हुई है, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव साय का नाम आगे किया गया है और वहीं लंबे समय से कयास चल रही थी कि 5 से 6 नाम जो है मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले नाम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, दूसरे में अरुण साव और तीसरे में जो है रेणुका सिंह का नाम सामने आ रहा था, जो कि पहले केंद्रीय मंत्री रही है, अभी भी वर्तमान में विधायकी का चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे था और वहीं 15 साल सत्ता में काबिज रहे
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी आगे था, तो कास्ट यह लगाया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो है लंबे समय के बाद, विचार विमर्श के बाद, 3 से 4 दिन लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में चला, साथ ही राजधानी रायपुर में भी बैठकों का दौर चले, जिसको लेकर जो है अब जो है यहाँ पे सारे कायज जो है खत्म हो गए हैं। अब जो है छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री की रेस में अब जो है नाम उभर कर आया विष्णु साय है। अब जो है छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों के जो लंबे समय से मांग उठ रही थी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह मांग जो है अब पूरा हो गया है। जी ये बताइए कि इनके पास अच्छा खासा अनुभव है इसलिए इनका नाम चुना गया, और दूसरी बात यह है कि जो जो सीएम के रेस में थे क्या उनको फिर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? जी अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में 12 मंत्री बनेंगे तो किस किस को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वैसे पुराने कई ऐसे भी नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी इस बार जो है मौका दिया जा सकता है। जी क्या कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है? देखिए मैं अभी वर्तमान में भाजपा कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है काफ़ी बाजे गाजे के साथ में फटाकों का फोड़ने का जो है दौर शुरू हो चुका है, और यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी खुशी किस तरीके से, क्या विकास जानने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सिर्फ मीडिया वालों को आने की अनुमति दी गई है, और यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जिससे हम बात कर सके। लेकिन बता देना चाहूँगा कि ये पार्टी कार्यालय के बाहर जो है पूरी तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है और फटाके फोड़े जा रहे हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद जो है पार्टी कार्यालय का माहौल पूरी तरह से तरीके से बदल गया है। क्या सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की थी कि इन्हीं को सीएम बनाना जाना चाहिए, और विधायक दल की कितनी देर बैठक हुई थी जिसके बाद से ये डिसीजन लिया गया है? देखिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा था और जो नाम उभर कर आए थे उसमें सबसे अंतिम में जो नाम थे वे विष्णुदेव साय का सबसे अंतिम में नाम था। कोई भी यह कयास नहीं लगा पा रहे थे कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि विष्णुदेव साय की जो छवि है वह काफ़ी सहज और सरल छवि है, वह एकदम आम नागरिकों के जैसा व्यवहार, उनमें किसी भी प्रकार के आज तक उन पर ना आरोप लगे हैं ना किसी भी प्रकार के उन्हें राजनीतिक जो है किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे, तो जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई देश तर्रार कद्दावर नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसे लेकर जो है क्या विकास बीजेपी इतना भरोसा विष्णुदेव साय पे जता रही है, उनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाएगा? देखिए हाँ बता देना चाहूंगा कि लगातार जो है यहाँ पे जो है विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद में जो है लोगों में खुशी है, और अब यह देखना होगा आने वाले समय में कि किस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में जो कई सारी जो घोषणाएं की गई है उस पर कैसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है। जी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना विष्णुदेव साय को करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए सबसे पहले तो जो घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा के साथ में जो सरकार बनाई है उसी को लेकर जो है सबसे पहले वही कार्य होंगे जो घोषणा पत्र में आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद जो है कई सारे छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय मुद्दों पर जो लड़ी जा रही थी पिछले लंबे समय से वो मांगों को मानने की आवाज चलेगी। जी तो अब शपथ ग्रहण समारोह कब हो सकता है, कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको मिल पाई है क्या? पार्टी सूत्रों की माने तो अभी 13 दिसंबर को जो है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है पार्टी द्वारा, और साथ ही इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की उम्मीद है, साथ ही अन्य राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी आने की चर्चा है। जी ऐसे कौन कौन से नेता है जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्या रमन सिंह का भी नाम इसमें शामिल है? देखिए पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक और 7 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, साथ ही धरमलाल कौशिक, लता उसेंडी, ऐसे कई नाम है जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, साथ ही पार्टी में लंबा वक्त काम करने का अनुभव है, साथ ही राजनीति में भी लंबा वक्त उन्हें हो चुका है। मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो पिछले 15 साल में मंत्री रह चुके हैं, तो उनको एक बार फिर से पार्टी जो है मौका दे सकती है। काफी ज्यादा पटाखों की और ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, तस्वीरें दिखा सकते हैं? मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि इसका काम जो है यहाँ पे पटाखों का दौर शुरू हो चुका है। निकालना मैं तस्वीरें पार्टी कार्यालय के अंदर से दिखा रहा हूँ आपको कि किस किस प्रकार से बाजे गाजे के साथ में जो है अपने कैमरा में बताऊंगा कि वो दिखाए आपको। देखिए ये
मेन कार्यालय के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो कार्यकर्ताओं द्वारा जो है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी है। यहाँ पे लगातार जो है नाच गाने के साथ में जो है स्वागत किया जा रहा है। अगर विकास आप उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके का उनको अनुभव लग रहा है, किस तरह की खुशी उनके अंदर नजर आ रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भाजपा का ही कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री बन रहा है और अंतिम व्यक्ति तक भाजपा पहुंची है। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र जिस सबरी माता जिस राम को खिलाई थी, राम जिसका भाटा था, उसके घर का मुख्यमंत्री बना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदिवासी हमारे नेता बने हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान है। बहुत अच्छा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत खुश है हम लोग। तो देखिए कहा जा रहा है कि आदिवासी वर्ग से आते हैं विष्णु देव साहब, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल है। विष्णु देव साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैसे? बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई। विष्णु देव साय बहुत ही शान स्वभाव का व्यक्तित्व है, सबको लेकर चलेगा। छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की और उन्नति को अग्रसर होगा। उम्मीद की गई थी क्या विष्णु देव का साय निकल के सामने आएगा? विकास उनसे जानिए। बहुत बहुत खुशी की बात है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और क्या क्या उम्मीदें हैं? प्रदेश की संपूर्ण विकास के लिए विष्णु देसाई जी प्रयास करेंगे। तो देखिए आदिवासी चेहरे को इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो प्रदेश के लोगों में और कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री बनाया गया विष्णु देसाई को कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए आज एक नए छत्तीसगढ़ की शुरुआत है। सन 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने हार हुआ था, तो निश्चित ही आज विष्णुदेव साय जी को और मुख्यमंत्री बनाने के बाद और छत्तीसगढ़ में एक नए विकास की गाथा गढ़ी जाएगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद से और आने वाले लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 सीट जीतेगी। विष्णुदेव साय जी हमारे छत्तीसगढ़ को एक विकास की नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। देख सकते हैं कि आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो है आदिवासी चेहरे को इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। जो बिल्कुल खासा उत्साह देखने को मिल रहा है विकास, और ऐसे भी तस्वीरें भी आप लगातार हमारे तक पहुंचा रहे हैं। क्या इनको उम्मीद थी कि विष्णु देव साय जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे? विकास, ये जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं, ये उन पलों का गवाह है, ये उन पलों की गवाही है
जो कि बताते हैं कि एक आदिवासी के सीएम की कुर्सी पर बैठने का कितनी महत्वता नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पे काफी जो माहौल है वहाँ आप देख सकते हैं कुर्सी का माहौल है और लगातार जो है यहाँ पे पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर जो है। और यहाँ पे मीडिया कर्मियों का हुजूम लगा हुआ है कि कोई ना कोई अभी नेता आकर जो है इसका ऐलान करेंगे कि विष्णु जो साय को मुख्यमंत्री बना देंगे। जी क्या अरुण, क्या विष्णु साय यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हमसे कुछ ही देर में? कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है पार्टी के प्रतिनिधि कोई जो है यहाँ पे मीडिया को बयान देने के लिए आगे आएंगे। दिवाली जैसा माहौल अभी दिन में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे काफी पटाखों की गूंज जो है यहाँ पे लगातार चल रही है। तस्वीरें लगातार आप अब तक पहुँचा रहे हैं और ये जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। क्या प्रवेशक के साथ विष्णुदेव साय भी पहुँचने वाले हैं? विकास, कितने वक्त में पहुँचेंगे पार्टी कार्यालय? यहाँ पे काफी भीड़ हो चुकी है, लग चुका है। ठीक है विकास, लगातार हमारे तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि जश्न का माहौल पार्टी कार्यालय में इस वक्त नजर आ रहा है। हर तरफ ढोल लगाड़ू की आवाज सुनाई दे रही है और ऐसे में जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि एक आदिवासी चेहरे को, आदिवासी कार्यकर्ताओं को सीएम की कुर्सी मिलेगी और ऐसे में माहौल ज्यादा खुशी का नजर आ रहा है। और विकास, ये सीधी तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रही हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है क्योंकि विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हो चुका है और पार्टी कार्यालय से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कमान अब सौंपी जाएगी। बता दें अगर विष्णुदेव साय के अनुभव की बात की जाए तो वो आदिवासी समाज के बड़े चेहरे में से आते हैं। विष्णुदेव साय इसलिए भी बड़ा नाम है क्योंकि वो 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इसके साथ ही सारे संगठन में उन्होंने कार्य किए और अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां से सीधे हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे किस तरीके से जश्न मनते हुए नजर आ रहा है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं को खुद उम्मीद नहीं थी कि आदिवासी चेहरे को बीजेपी जगह दे सकती है। और ये विष्णुदेव साय की जानकारी है कि वो 4 बार के सांसद रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, विधायकी का भी अच्छा खासा अनुभव है और वो केंद्रीय राज्य मंत्री और 2-2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो विष्णुदेव साय कौन है ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संगठन में काम करने का अच्छा खासा लंबा अनुभव उनके पास है और अब पार्टी ने उनको सीएम का चेहरा बना दिया है। कुनकुरी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज की। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में बड़ा आदिवासी चेहरा है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रायगढ़ से भी ये सांसद रह चुके हैं विष्णुदेव साय, उनकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।